आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ और आप ही की डिमांड पर ये वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि हम डायमंड जो हैं वो ज़्यादा और जल्दी कैसे प्राप्त करें। तो चलिए चलते हैं, उसमें सबसे पहले मैं बताती हूँ माइनिंग के द्वारा। आप देख सकते हैं कि ये माइन है और इसमें जब भी हम और लेने के लिए उसको कलेक्ट करने के लिए या कोई डर भी आती है तब कभी भी हम इसको जब करते हैं तो इसमें से डायमंड निकलते हैं। जैसे अभी आपने देखा, देख रहे हैं आप कि अभी जो है उसमें से डायमंड नहीं निकला है, पर जनरली जब हम करते हैं ज़्यादा बार इसको तो इसमें से डायमंड ज़रूर निकलता है, एक या दो डायमंड तो निकल ही आते हैं। तो इसको माइनिंग हमें करते रहना चाहिए, माइनिंग से हमें जो है वो डायमंड मिलते हैं। दूसरा तरीका इसमें होता है, अभी तो इसमें से नहीं निकल रहे, मैं आपको एक फोटो लगा दूंगी जिसमें आपको मैं बता दूंगी जनरली जो निकलते रहते हैं उसकी। दूसरा तरीका जो होता है वो है ट्री हेल्प वाले थैंक यू लेटर से। तो आपने देखा होगा जब हम किसी को भी हम ट्री हेल्प करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे इस तरीके से लेटर बॉक्स में कार्ड आ जाते हैं, और जैसे अभी इस समय मेरे पास 10 हैं। जब हम इससे कोई भी गिफ्ट ऑर्डर करते हैं तो आप देखिए 10 कार्ड का अगर मैं ऑर्डर करती हूँ तो इसमें या तो ये डेकोरेटिव आइटम निकल सकता है या इसमें से 5 डायमंड निकल सकते हैं। इसी तरीके से 20 कार्ड से मैं ये ऑर्डर करती हूँ अगर इसको मिस्ट्री पैकेज को, तो या तो ये डेकोरेटिव आइटम निकलेगा या इसमें 10 डायमंड निकल सकते हैं। और तीसरा जो है वो ये है जिसमें हम 30 कार्ड से अगर हम इस पैकेज को मंगवाते हैं तो या तो ये डेकोरेटिव आइटम मिलेगा या 15 डायमंड मिलेंगे। अभी जो पिछली वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि मेरे 15 डायमंड मिले थे, उसकी एक मैं वीडियो फिर से डाल दूंगी। तो ये भी एक तरीका होता है कि हमें ज़्यादा से डायमंड मिल जाते हैं। तीसरा तरीका होता है, आपने देखा होगा हमारे फार्म पे जगह जगह पे बड़े बड़े मिस्ट्री बॉक्सेस जो है वो हमें नज़र आते हैं। मिस्ट्री बॉक्सेस 3 तरह के होते हैं, छोटा, एक बड़ा और एक ह्यूज। आप देख रहे हैं इस समय जो ये मिस्ट्री बॉक्स है ये ह्यूज मिस्ट्री बॉक्स है, और इस तरह के मिस्ट्री बॉक्स में जो सबसे अच्छा गिफ्ट जो होता है वो यही है कि 25 डायमंड इसमें से निकलते हैं। स्मॉल वाले में से 5 डायमंड निकलते हैं, बिग वाले में 13 डायमंड निकलते हैं और इसमें से 25 डायमंड निकलते हैं। देखिए इसको खोल करके देखते हैं, अभी तो ये नहीं खुल सकता है। अगर मुझे इसे खोलना होगा तो मैं 20 डायमंड देख करके इसको खोल सकती हूँ, पर मैं इसको नहीं खोल रही हूँ। उसके बाद जो तरीका होता है डायमंड हमें प्राप्त करने का, आपने देखा होगा जब भी कभी हमारा गेम जो होता है वो मेंटेनेंस पे जाता है या जब कोई इसका अपडेट आता है, जैसे मेंटेनेंस पे जाता है तो जनरली 5 डायमंड ये हमें देते हैं सॉरी के साथ, और जब कभी अपग्रेड वगैरह आता है तब भी हमें 5 या 10 डायमंड जो है वो हमें 10 डायमंड शायद मिलते हैं। तो इसके बाद अगर हम अगला तरीका देखें तो अगला तरीका होता है फिशिंग के द्वारा। फिशिंग के द्वारा भी जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिश, ये देखिए माय फिशिंग बुक, इसको जब हम खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम फिशिंग करते हैं और अगर कोई नई तरह की फिश आती है तो उससे हमें डायमंड मिलते हैं। ये देखिए ये एक फिश है येलो पर्च, जिसको कि ये नई है और इसको मैं करूँगी तो देखिए हो सकता है, ये देखिए 2 डायमंड मिले मुझे, ये भी देखिए नई है, इससे भी 2 डायमंड मिले। ये देखिए ये सारी फिशेज नई है, जो भी नई फिश होगी जब हम फिशिंग करते रहते हैं, जैसे अभी पिछली डर्बी में मैंने फिशिंग की थी तो मेरा ध्यान नहीं गया था, अब देखिए इसमें ये जो नई फिशेज होती है ये देखिए 4 और 2 6 इससे मिले मुझे। तो अभी तक आपने देखा होगा कि 6 इस फिश से मिले और 2 और 2 यानी कि 10 मिला करके डायमंड अभी मुझे मिल चुके हैं और इससे भी मुझे मिलने वाला है 2 और, तो टोटल अभी तक देखिए अब 12 डायमंड हम कलेक्ट आपके सामने ही कर चुके हैं। तो फिशिंग हमें करते रहना चाहिए, इससे भी हमें काफ़ी मात्रा में डायमंड मिलते हैं। फिशिंग का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमें जब और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हो सके तो आप डर्बी वगैरह ज़रूर खेलिए, जिससे कि हम टास्क आते हैं जिसमें कि 90 फिशेज है या 116 वो जो फिशेज वो उसका जो लॉब्स जो होते हैं वो पकड़ने होते हैं,
तो उस समय में हम जितनी ज़्यादा फिशिंग करेंगे, हमें नई फिशेज आने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उससे हमें जो है डायमंड भी मिलते जाते हैं। इसके बाद अगर हम और तरीके की बात करें तो होता है डर्बी से। आपने देखा होगा जब डर्बी हम जीतते हैं तो उस लिस्ट में कई जगहों पर कभी 3 डायमंड, कभी 2 डायमंड इस तरीके से भी होते हैं। अभी जो अभी इस जिसे कहना चाहिए कि करीबन 1 साल से जो सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे लगता है वो है वैली। आपने देखा होगा जब वैली सीजन स्टार्ट होता है और उसके बाद जब वैली खत्म होती है, तो जब हम 1200 टोकन, तीनों तरह के 1200 1200 टोकन कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें 40 डायमंड इजी वे में मिल जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है अगर वैली थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पे आती है और 20 दिन चलती है, 20 दिन बाद आपको इजी वे में 40 डायमंड मिल जाते हैं। इस बार की जो वैली थी उसमें आपने देखा होगा कि 30 डायमंड ही हमें मिले थे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक और सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है अचीवमेंट्स। ये देखिए मैंने जैसे अचीवमेंट किए हैं, जब जब हम कोई अचीवमेंट पूरा करते हैं तो हमें 2 डायमंड या 3 डायमंड या 5 या 10 डायमंड भी मिलते हैं। एक अचीवमेंट में मुझे 50 डायमंड मिले थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा अचीवमेंट था, पर आप देख सकते हैं अचीवमेंट वाली लिस्ट में। ये देखिए इसमें जैसे अभी भी लिखा हुआ है 3 डायमंड, अगर मैं ये अचीवमेंट पूरा करूँगी तो मुझे मिलेगा। बाकी मैक्सिमम अचीवमेंट मैं पूरे कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इस लिस्ट में। तो आप कोशिश कीजिए देख करके कि अगर कोई अचीवमेंट के आप करीब हैं तो उस अचीवमेंट को पूरा करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको डायमंड जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। देखिए मेरे मैक्सिमम अचीवमेंट्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, कुछ एक ही बचे हुए हैं जिनमें कि ये आप देख रहे हैं सामने कि जब ये अचीवमेंट पूरा होगा तो मुझे 3 डायमंड मिलेंगे। इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ग्लोबल इवेंट जो है वो चलते रहते हैं। जनरली मैंने ये देखा है कि बॉट इवेंट, ग्लोबल बॉट इवेंट इस तरीके से चलता है, तो उसमें मैंने एक बार देखा था कि उसमें डायमंड थे। स्पेशली एक बार ही वो इवेंट आया था जिसमें हमें डायमंड मिले थे। तो जैसे ये था कि 5 या 4 बोट जो है वो अगर आपने रवाना कर दी तो आपको 2 डायमंड मिल रहे हैं, इसके बाद अगर आपने 10 कर दी तो और ज़्यादा, इस तरीके से यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जितनी ज़्यादा बोट आप रवाना करेंगे, और उसका मैक्सिमम प्राइस जो थी वो मैक्सिमम डायमंड जो थे 20 डायमंड थे, तो 20 डायमंड तक पहुँचने का था उसमें। और मैंने उसमें मैक्सिमम डायमंड जो है वो सारे कलेक्ट किए थे, शुरू से लेकर के लास्ट तक का जो डायमंड जो था मैंने मैक्सिमम बोट। और उस समय में आपको ये करना चाहिए कि कोई सा भी बूस्टर जो है वो स्टार्ट कर लेना चाहिए। जैसे अगर अभी डर्बी चल रही है और अगर मैं फिशिंग वाला कोई लेती हूँ टास्क, तो इस समय में जैसे आप देख रहे हैं कि ये बूस्टर, जिससे कि मुझे हैवी वेट वाली जो है वो फिशेज मिलेंगी, और इसी से मुझे ये फ़ायदा भी मिल सकता है कि इस इन फिशेज में ही मुझे कोई ऐसी फिश भी मिल जाए जिससे कि मुझे डायमंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो हमें बोट इवेंट वगैरह ये भी करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी कब हम ये इस तरह का, ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है, ये जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सी बार डायमंड मिल जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं मुझे ये मिला, इसमें ये ग्रीन वाला मिल गया है, तो कभी कभी हमें यहाँ पे भी मिल जाता है। आपने देखा होगा कि ये देखिए ये टॉम है, और जब टॉम कभी यहाँ खड़ा होता है उसके हाथ में एक येलो कलर का बलून होता है, और उस बलून को जब वो हाथ से छोड़ देता है तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ चीज़ मिलती है। कभी हमें हो सकता है एक्सपेंशन मटेरियल भी मिल जाता है, और कभी कभी वो हमें उसमें से हमें एक डायमंड भी मिलता है जब हम कभी उस बलून को फोड़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हम डायमंड जो है वो इन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम लेवल अप करते हैं तब भी हमें डायमंड मिलते हैं। देखिए स्क्रीन पे जब मैंने लेवल अप किया था अभी 87, तब भी मुझे 10 डायमंड मिले थे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारे बताए हुए तरीके अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये सारी जो भी चीज़ हमारी अच्छी लगी हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।